गाजीपुर में प्रदेश की कानून व्यवस्था में गिरावट के कारण जंगल राज की स्थिति, बच्चियों से दुष्कर्म और हत्याओं की बाढ़, बिजली कटौती, बिजली की दरों में वृद्धि, डीजल पेट्रोल की महंगाई, गन्ना किसानों का बकाया, गौशाला में गायों की मौत, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, आरक्षण पर संकट, भर्तियों में धांधली और भ्रष्टाचार आदि मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। शुक्रवार को विभिन्न क्षेत्रों से जुलूस की शक्ल में सपाई जिला मुख्यालय से सरजू पांडे पार्क पहुंचे और विरोध सभा की कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा सरकार में अपराध की बढ़ोतरी हुई है और महिला सुरक्षा के दावे करने वाली सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खिलवाड़ करती नजर आ रही है। इसको लेकर लोगों में आक्रोश है। जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। इस सरकार में चारों तरफ जंगल राज है। सरकार खुद ही पुलिस से फर्जी एनकाउंटर करवा रही है। डॉक्टर सानंद सिंह ने कहा कि सरकार में महिलाओं के साथ छेड़खानी व दुष्कर्म के साथ हत्याओं की घटनाएं बढ़ गई हैं। भाजपा सरकार अपराध रोकने में पूरी तरह फेल होती दिख रही है। राजेश कुशवाहा ने कहा कि सरकार में नौजवान और मजदूर बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं। अनेक उद्योगों में छटनी के निरंतर बेकारी की समस्या और उग्र होती जा रही है। विवेक कुमार सिंह सम्मी ने कहा कि पार्टी मांग करती है कि बेरोजगारी की बढ़ती समस्या के समाधान के प्रति सरकार को गंभीर नीति निर्धारित करनी होगी। सरकार गंगा जमुनी तहजीब के बीच में नफरत की दीवार पैदा करना चाहती है। विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में सपा नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। गाजीपुर से गुड्डू राय की रिपोर्ट, एसके।